बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आपको अभी ये 3 कंसेक्टिव हॉलीडेज़ आई हैं, तो आई होप आप लोगों ने उन्हें अच्छा अवेल किया होगा और साथ साथ उन्हें इंजॉय भी किया होगा। और तो लास्ट लेक्चर जो था हमारा गायनेसोलॉजी का, क्रचेज़ के ऊपर था, ठीक है। तो क्रचेज़ में हम लोगों ने उसकी फॉर्म पढ़ी थी और साथ हमने 4.2.8 पढ़ा था, ठीक है। आज जो हम उन्हीं के जो और गेट पैटर्न्स हैं जिसके अंदर 3 पॉइंट गेट, 2 पॉइंट गेट, सॉरी स्विंग टू स्विंग थ्रू गेट, और इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये वैसे मैंने पिछले लेक्चर में ही करवा देना था, लेकिन मेरा मकसद ये है कि आप थोड़ा लें, थोड़ा पढ़ लें, लेकिन ये पैटर्न जो ही पढ़ें और जो ही आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और उसी वक्त लेक्चर के साथ ही आपके जहन में ये बिल्कुल 70% याद हो जाए आप लोगों को, ठीक है। तो हम पहले एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आज हमने जो लेक्चर पढ़ना है इट्स योर लेक्चर नंबर 37 और 3 पॉइंट गेट हमने पढ़ना है, लेकिन हम 4 पॉइंट गेट को रिवाइज कर लेते हैं एक दफ़ा। क्या था इसके अंदर? वीकनेस इन बोथ लेग्स। मैं आपको कंपैरिजन में बताऊंगी 4 पॉइंट गेट और 2 पॉइंट गेट, ठीक है। 4 पॉइंट गेट में क्या था, हालांकि मुझे भी बहुत जब मैंने किया उसके बाद में कितने अरसे बात पढ़ रही हुई है, लेकिन मुझे क्योंकि मैंने जिस तरह से याद किया था मुझे ये चीज नहीं भूली, ठीक है। आप लोग भी इसी तरह से याद करें जिस तरह मैं आपको करवाना चाह रही हूँ, क्योंकि ये आपको कॉन्सेप्ट के साथ मेमोराइज करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, 4.8 में क्या था? वीकनेस इन बोथ लेग्स थी, पुअर कोऑर्डिनेशन है, बैलेंस का मसला है, ठीक है। बैलेंस का इशू है ज्यादातर ओल्डर एडल्ट के, ओल्डर जो है हमारी जो जीरियाट्रिक पॉपुलेशन है, यानी कि जो हमारे बूढ़े लोग हैं, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन के मसले वाले और बैलेंस के मसले वाले, उनमें हम 4.8 करवाते हैं। और इसके अंदर यूं ही, क्योंकि ये सेफेस्ट गेट होती है, होती स्लो है, ठीक है, होती स्लो है 4.8, लेकिन सेफ गेट होती है। इसका जो पैटर्न है वो क्या था, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लेफ्ट साइड से प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट क्रच से प्रोसीड कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट क्रच देन राइट फुट रखेंगे, फिर उसके बाद आप राइट क्रच रखेंगे और फिर लेफ्ट फुट रखेंगे। या अगर आप राइट क्रच से प्रोसीड कर रहे हैं तो राइट क्रच एंड लेफ्ट फुट, लेफ्ट क्रच एंड राइट फुट, आप ऐसे करेंगे, ठीक है। एक साथ नहीं, मतलब पहले क्रच रखेंगे फुट, फिर क्रच, फिर फुट, ऐसे करके आपने रखना है, ठीक है। इसमें क्या है, ये एक्सीलेंट स्टेबिलिटी है, फोर्थ जो आपका 4.8 है, एक्सीलेंट स्टेबिलिटी है, ठीक है। इसके वो डिसएडवांटेज में आप क्या कह सकते हैं कि वो कि ये स्लो गेट है, ठीक है, और थोड़ा सा पैटर्न को मेमोराइज करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है, स्लो है, और लेकिन इसकी स्टेबिलिटी गुड है, वेल स्टेबिलिटी है। उसके बाद हम चले जाते हैं 2.8 के ऊपर, ठीक है। 2.8 गेट क्या है, इसके अंदर भी वीकनेस इन बोथ लेग्स है एंड पुअर कोऑर्डिनेशन, ठीक है, लेकिन इसके अंदर आपका पुअर कोऑर्डिनेशन, लेकिन जो 2.8 के साथ है लोग, वो कौन लोग 2.8 हम करवाएंगे जिनकी स्टेबिलिटी अच्छी हो, ठीक है। 4 पॉइंट में तो स्टेबिलिटी कंप्रोमाइज है ना, ठीक है, बैलेंस कंप्रोमाइज है। इसके अंदर जरा जो थोड़ा सा अच्छे बैलेंस वाला, अच्छी स्टेबिलिटी वाला, उसके अंदर हम ये करवाएंगे। और इसके अंदर ये क्या है, 4.8 के सिमिलर है 2.8, लेकिन इसमें हम पैटर्न किस तरह रखते हैं, उसमें हम जैसे अगर लेफ्ट से प्रोसीड करना है तो लेफ्ट क्रच राइट फुट साथ साथ नहीं रखेंगे, पहले लेफ्ट क्रच रखेंगे फिर राइट फुट देन राइट क्रच एंड लेफ्ट फुट, ऐसे रखेंगे। इसमें हमने क्या करना है, लेफ्ट क्रच राइट फुट इकट्ठा आगे उठाएंगे, ठीक है, और देन राइट क्रच एंड लेफ्ट फुट इकट्ठा हमने आगे उठाना है, ठीक है। और ये क्या है, फास्टर देन 4.8 है, ठीक है, और इसमें फास्टर है और बैलेंस इसके अंदर ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है। 4 पॉइंट में तो जिनका अच्छा बैलेंस होगा वही 2.8 कर सकेंगे, क्लियर। अब हम आ जाते हैं, ठीक है, 2.8। अब 2 पॉइंट क्यों कहा हुआ इसे, इस तरह 2 पॉइंट कि देखिए लेफ्ट क्रच एंड राइट फुट जो है आपका, ठीक है, लेफ्ट क्रच एंड जो आपका लेफ्ट क्रच एंड राइट फुट है वो 1 पॉइंट बन गया, और आपका राइट क्रच एंड लेफ्ट फुट आपका 1 पॉइंट बन गया, ठीक है। तो ये जिनकी अच्छी स्टेबिलिटी होगी, बैलेंस अच्छा होगा, कोऑर्डिनेशन अच्छी होगी, ठीक है, उन लोगों में हम ये करवाएंगे, और ये फास्टर देन 4.8 है, जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ ना। और अगर कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं कि मैं लेक्चर बनाती हूँ और मैं सिर्फ आपकी ये, क्योंकि बुक मुझे आपकी ये वाली जो बुक है जो हम फॉलो कर रहे हैं, ये बुक में बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ने ये वाली बुक रिकमेंड की है, लेकिन पर्सनली मैंने ये बुक नहीं पढ़ी थी,
क्योंकि इसके अंदर बैकग्राउंड नॉलेज इतना ज्यादा नहीं दिया हुआ, बताया इसके अंदर बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन जब पीछे से इंसान को पता ही नहीं होगा ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, तो इंसान को आगे किस तरह समझ आएगी। तो जो मैं चीज़ें बोल रही होती हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और मैं कोशिश करती हूँ सारी लिखूँ, लेकिन जो मैं नहीं भी लिखती तो मेरे सुनने पे बहुत गौर किया करें और इसे साथ साथ नोट डाउन कर लिया करें, ठीक है, क्योंकि मेरा मेरे पेपर या मेरे जो MCQs होते हैं या टेस्ट होते हैं वो इसके अंदर से होता है बहुत ज़्यादा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है 3-point क्रच गेट। अब इसके अंदर क्या है 3-point जो क्रच गेट है, जो आज हमारा मेन लेक्चर है, उसमें ये है कि एक टांग जो है उस पर वजन डाल ही नहीं सकते, ठीक है, इन अबिलिटी टू बियर वेट ऑन वन लेग। अब वो क्या हो सकता है, ड्यू टू फ्रैक्चर हो सकता है, ड्यू टू स्वेयर पेन हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि एम्पुटेशन हुई हुई, यानी कि टांग कटी हुई है, टांग नहीं है, ठीक है, और आपका यानी कि इसका मतलब है नॉन वेट बियरिंग ऑन गेट ऑफ फॉर वन लेग, एक जो आपकी टांग है उसके ऊपर वेट बियरिंग नहीं है, एक टांग आपकी फुल वेट बियरिंग वाली है और जो दूसरी है वो आपकी नॉन वेट बियरिंग, उस पर आपने वजन बिल्कुल नहीं डाल सकते, या तो फ्रैक्चर है या फिर वो एम्पुटेशन यानी कि टांग नहीं है, ठीक है, वो एम्पुटेशन होती है कि बिलो नी अबव नी एंकल से, वो हम जब आपका टॉपिक आएगा हम उस पर पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसका पैटर्न सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले आपने क्या रखना है 3-point क्रच गेट में, आपने क्रचेस आगे रखने हैं, फिर आपने वीक जो लिंब है उसे फॉरवर्ड करना है, ठीक है, और अब जब आप उसे करेंगे तो आपने क्या करना है, देन बियर ऑल योर वेट डाउन थ्रू द क्रचेस एंड मूव द स्ट्रॉन्गर ऑन अन अफेक्टेड लोअर लिंब फॉरवर्ड। ये आपको समझने में, आप कहेंगे ये हम कैसे आगे कर रहे हैं, आगे करने का मतलब है कि हम उसे प्रोपेल कर रहे हैं आगे, इस नीचे जमीन पे तो सारी बातें उस तरह से टच नहीं हो रही है ना, उस पर हमने अगर टच भी हो रही है, फॉर एग्जाम्पल फ्रैक्चर है, अगर हल्का सा टच हो रहा है लेकिन उस पर वेट बियरिंग नहीं है, ठीक है, अगर फ्रैक्चर है, अगर एम्पुटेशन नहीं है तो वेट बियरिंग नहीं है, जैसे मैं आपको इस तस्वीर में दिखा रही हूँ। सबसे पहले उसने क्या रखा है, स्टेप वन आपने क्रच आगे रखा है, ठीक है, फिर अगर आप इस पिक्चर में देखें ये जो उसकी जो उसने टांग उठाई हुई है, फॉर एग्जांपल ये फ्रैक्चर्ड लिंब है, वो उसे थोड़ा सा आगे लेके आया है, देन उसने सारा वजन अपना क्रच पे डाला है और फिर क्या किया है, अपनी जो अनअफेक्टेड साउंड लिंब, अनअफेक्टेड गुड लिंब, ठीक है, अन इंजर्ड लिंब, सारे एक ही चीज के नाम है, तो वो उसने आगे किया। सो दिस इज 3-point गेट। अब इसमें क्या है आपका, द पेशेंट मूव्स टू क्रचेस एंड अफेक्टेड लिंब, और देन उसके बाद क्या है, अनअफेक्टेड लेग, जो आपकी गुड लेग है वो आगे रखेगा, यही इसमें लिखा हुआ है। फर्स्ट मूव बोथ क्रचेस एंड वीकर लेग फॉरवर्ड, ठीक है, क्रच और वीकर लिंब आपने फॉरवर्ड करना है, देन आप क्रच के ऊपर सारा वजन डालेंगे और अपनी साउंड लिंब जो आपकी गुड लिंब है फिर उसे आगे करेंगे, ठीक है। नीचे उसे और वेल एक्सप्लेन किया हुआ है, और प्लीज जब मैं ये वाले लेक्चर्स हैं इसके अंदर खड़े हो जाया करें, क्योंकि जब मैं पढ़ा रही होती हूँ मैं खुद भी ये परफॉर्म कर रही होती हूँ कि मैं कभी कभी ऐसा होता है जब मैं पढ़ा रही होती हूँ मेरी स्लाइड पे नजर नहीं जा रही होती, तो मेरे से गलती एटलीस्ट ना हो आपको बताने में, ठीक है। तो मूव बोथ क्रचेस फॉरवर्ड, देन वीकर, ठीक है, वीक लिंब, और देन आपके पास मूव स्ट्रॉन्गर लेग, स्ट्रॉन्ग लेग फॉरवर्ड, ये पिक्चर में उसी तरह से बताया हुआ। तो और स्टिक्स अपने पास रख लें, क्यों जब हम आएंगे तो हम सबसे पहले ये वाले प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेंगे ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। अच्छा, ये इसके अंदर भी यही बात की हुई है, ठीक है, ये जो ये वही पिक्चर है उसके अंदर, बस ये है कि स्टेप्स थोड़े से ज्यादा लेकर दिखाई हुए, सबसे पहले क्रच और जो फिर वो आपके साउंड लिंब आ गया और देन आपने वो करना है, यही पिक्चर वही है जो पीछे थी। अच्छा, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके अंदर क्या है कि कोई भी जो अफेक्टेड लिंब है उसके ऊपर कोई वेट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और गुड, लेकिन इसे कौन लोग करेंगे, गुड बैलेंस होना चाहिए इसके लिए, ठीक है, बैलेंस अच्छे तभी इज रिक्वायर्ड, गुड बैलेंस इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर किसी बंदे का बैलेंस और कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम है उसके अंदर हम ये वाली 3-point गेट नहीं करवा सकते, क्योंकि एक ही अफेक्टेड, एक लिंब के ऊपर सारा वजन है और क्रचेस के ऊपर सारा वजन है, ठीक है, ये जो 3-point गेट है, 3-point गेट, यस, ठीक है। और 3-point कैसे बन रहा है, दो क्रचेस और वन अफेक्टेड अनअफेक्टेड लिंब, वन अनअफेक्टेड या गुड लिंब जो है, ये जारी बात है 3-point गेट, इस वजह से ये बन रही है। अच्छा, अब मॉडिफाइड 3-point जो गेट है वो क्या है, मॉडिफाइड जो 3-point गेट है उसके अंदर ये है कि हमने जो 3-point गेट है उसके अंदर क्या पढ़ा कि यानी कि एक जो आपकी नॉन वेट बियरिंग है, जो आपकी अफेक्टेड लिंब है उसके ऊपर बिल्कुल भी वजन नहीं डालना,
इसके अंदर क्या है, एक आपकी फुल वेट बेयरिंग लोअर एक्सट्रीमिटी है. जिन लोगों ने मेरे लेक्चर्स पिछले लिए हैं उन्हें पता है FWB PWD क्या है. ये मैंने सारा बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ आपको प्रीवियस लेक्चर्स में. तो FWB फुल वेट बेयरिंग एंड PWB पार्शल वेट बेयरिंग. ठीक है, तो इसके अंदर ये है कि एक टर्म फुल वेट बेयरिंग लोअर एक्सट्रीमिटी है यानी कि बिल्कुल गुड लिम्ब है, और दूसरी पार्शल वेट बेयरिंग यानी कि जो अफेक्टेड लिम्ब है उसके ऊपर आप आधा वजन डाल सकते हैं. और वो आधा वजन मोस्टली क्या होता है, वो ये होता है कि टो टच वेट बेयरिंग, आप जो आपके पाँव के जो टोज हैं ठीक है उनके ऊपर आप वजन डालेंगे. वो इसके अंदर मोस्टली मॉडिफाइड 3-point गेट में मोस्टली पार्शल वेट बेयरिंग में हम टो के ऊपर वेट बेयरिंग हल्की सी करवाते हैं. ठीक है, बायलेटरल असिस्टिव डिवाइस है यानी कि दोनों तरफ क्रचेज है. इट इज मोर स्टेबल है, स्लोअर है, और क्या है, रिक्वायर्स लेस स्ट्रेंथ एंड एनर्जी. ठीक है, स्टेबल है इसके अंदर क्योंकि हम थोड़ी दूसरे के ऊपर थोड़ा सा हम वजन डाल रहे हैं, दूसरी जो आपकी अफेक्टेड लिम्ब है. और इसके ऊपर क्या है, ये स्लोअर है और इसके अंदर जो स्ट्रेंथ और एनर्जी है कम है, कम लगती है इसके ऊपर एज कम्पेयर टू 3-point गेट. और इसका पैटर्न क्या है, सबसे पहले आपने ये करना है, आपने एडवांस पार्शल वेट बियरिंग लोअर एक्सट्रीमिटी फॉलोड बाय फॉरवर्ड ये फुल वेट बियरिंग लोअर एक्सट्रीमिटी. जैसे मैं आपको ये बताती हूँ, सबसे पहले उसी तरह जिस तरह आपने इसके अंदर क्या रखे हैं, आपने क्रचेज रखे हैं और आपने अफेक्टेड लिम्ब रखी है, इसके अंदर आप क्या करेंगे, क्रचेज और वो पार्शल वेट बियरिंग. आप ये अगर आप इस पिक्चर को देखें, क्रचेज रखे आपने पहले, ये वाली जो जो आप जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फुट है और एक ब्लैक फुट है. ठीक है, पिक्चर पे देखें तो आपने क्या रखी, क्रचेज रखे और फिर आपने क्या रखी, ये जो ट्रांसपेरेंट फुट है ये आपका पार्शियल वेट बेयरिंग वाला फुट है वो रखा, और उसके बाद फिर आपने जो आपका अनअफेक्टेड लिम्ब है वो आगे रखा. इस पिक्चर को अगर आप देखें, ठीक है, तो ये इसके अंदर भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ था. द मॉडिफाइड 3-point गेट पैटर्न रिक्वायर्स 2 क्रचेस और अ वॉकर. हम इस वक्त क्रचेस की बात कर रहे हैं, वॉकर जब हम पढ़ेंगे तो हम उसके अंदर फिर पढ़ेंगे. ठीक है, दिस पैटर्न इज यूज व्हेन द पेशेंट कैन बियर फुल वेट विद वन लोअर एक्सट्रीमिटी. और दूसरे में क्या है, दूसरे के लोअर एक्सट्रीमिटी, जो दूसरी लोअर एक्सट्रीमिटी है ठीक है, जो दूसरी टांग है उसमें सिर्फ टच कर सकता है, यानी कि टो टच डाउन वेट बियरिंग या जो टोज है वो नीचे, ठीक है, टच डाउन वेट बियरिंग के बिल्कुल हल्का सा वजन उस पर डालना है. द टर्म पार्शियल वेट बियरिंग रेफर्स टू व्हेन द इन्वॉल्विंग लोअर एक्सट्रीमिटी इज अलाउड ओनली पार्ट ऑफ द पेशेंट्स वेट टू ट्रांसफर थ्रू इट. ठीक है, ये मैंने आपको बात पहले बता दी है. टच डाउन वेट बियरिंग क्या है, जो आपने स्लाइड सा वजन डाल के बस गुजर जाना है उधर से. सो दिस इज मॉडिफाइड 3-point गेट पैटर्न. कि आपने सबसे पहले क्रचेस रखे हैं, फिर आप अपना जो वो जो आपने जिसमें पार्शियल वेट बियरिंग वाला फुट आगे रखना है एंड देन आपने फुल वेट बियरिंग आगे रखना है. दिस इज मॉडिफाइड 3-point गेट पैटर्न. अच्छा, उसके बाद दो गेट पैटर्न ऐसे हैं जो कि यूज कम होते हैं. क्यों यूज कम होते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा आपकी अपर एक्सट्रीमिटी, आपकी एबडोमिनल मसल्स हैं जो आपके, वो स्ट्रेंथन होना बहुत जरूरी है, उनका पावरफुल होना बहुत जरूरी है क्योंकि उनका बहुत मेजर काम है. और इसके अंदर होते हैं, इसके अंदर दोनों आपकी मोस्टली ये होता है कि दोनों टांगे इन्वॉल्व हैं. ठीक है, या तो दोनों टांगे पैरालाइज हैं या ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट है जैसे, ठीक है, पैरालिसिस हुआ हुआ है, नीचे वजन ही नहीं, पता ही नहीं है उसे नीचे, ठीक है, सेंसेशन ही नहीं है. तो दो ऐसे पैटर्न हैं गेट पैटर्न जो कि उन लोगों में हम यूज कराते हैं. वैसे लेस कॉमनली यूज होते हैं, जाहिर बात है हम दूसरों को प्रेफर करते हैं 4-point 2-point 3-point, लेकिन जाहिर बात है जिसमें उनकी वो तीनों आ ही नहीं सकते और सिर्फ हमारे पास यही वाली ऑप्शन रह जाती है, तो वो स्विंग टू और स्विंग थ्रू गेट होती है उसके अंदर, वो हम इन पेशेंट्स में कराते हैं. और वो पेशेंट्स कौन होती हैं जिनकी दोनों टांगे इन्वॉल्व हैं और वजन उन पर नहीं डल सकता बिल्कुल भी. ठीक है, और वो क्या है, वो पैरालाइज हो सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट्स हो सकते हैं. ठीक है, वो ये वाले पेशेंट्स हो सकते हैं. सो एक होता है इसके अंदर स्विंग टू गेट. अब स्विंग टू गेट आप ये समझ लें कि जब आपने जाना है तो क्रचेस के मैं आपको हम पढ़ते हैं तो मैं आपको बताती हूँ. और स्विंग थ्रू क्या है, बियॉन्ड द क्रचेस. जैसे आप देखें इस पिक्चर के अंदर स्विंग टू, ठीक है, स्विंग टू गेट क्या है कि जब जा रहे हैं तो क्रचेस के लेवल पे ही उसकी टांगे आके रुक रही हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इस नीचे अगर पिक्चर को देखें जहां पे दो डॉट्स और ब्लैक कलर के दो फुट शो किए हुए हैं, ठीक है, ये बंदा क्या इनिशियल पोजीशन है और उसने अपना वजन डाला है, जब दोबारा वो आया है तो उसने
क्रचिस के लेवल पे ही है, यानी कि जहाँ पे क्रच है उनके दरमियान में उसके पाँव है। ऐसा नहीं है कि उसके पाँव क्रचिस से आगे निकल गए हैं या उसके पाँव क्रचिस से पीछे चले गए हैं। ये जो उसके क्रचिस के बिल्कुल लेवल पे पाँव है, दिस इज स्विंग थ्रू गेट। मैं इसे एक्सप्लेन करूंगी वेल। और स्विंग थ्रू क्या है कि जैसे आप इस पिक्चर में देखें, ऊपर जहाँ पे बंदा बना हुआ है उसे ना देखें, जहाँ पे डॉट्स और दो फुट दिखाए हुए हैं उधर देखें कि ये बंदे का इनिशियल लेवल है। अब उसने अपने क्रचिस को आगे रखा है और जो है बंदा उससे क्रचिस से फिर आगे निकल गया है। देखें दो डॉट्स पीछे रह गए हैं और जो ब्लैक फुट है वो आगे चला गया, मतलब क्रचिस को क्रॉस कर गया है। दिस इज स्विंग थ्रू, ठीक है। स्विंग टू यानी कि वहां तक, क्रचिस तक, और स्विंग थ्रू यानी कि क्रचिस से भी बाहर। तो ये डिफरेंस है इसके अंदर, ये बिल्कुल भी भूलना नहीं है। अच्छा, स्विंग टू ऑफ गेट में पढ़ रही हूँ वो क्या है, यूजली यूज बाई क्लाइंट विद पैरालिसिस ऑफ बोथ लेग्स, प्रोलॉन्ग यूज, ठीक है, रिजल्ट इन एट्रॉफी ऑफ अनयूज मसल। अब उसके अंदर ये है कि जाहिर बात है आप नीचे वाले जो आपके मसल्स यूज ही नहीं हो रहे उनका क्या हो सकता है इन लॉन्ग टर्म आपको कि एट्रॉफी हो सकती है, वो मसल्स वेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। एट्रॉफी पता है ना आप लोगों को, मैंने आप लोगों को बताया था, तो उसकी एट्रॉफी हो सकती है मसल्स की जो यूज नहीं हो रहे। जाहिर बात है वो लोअर लिम के मसल्स हैं जो यूज नहीं हो रहे, वो सुकड़, आपने देखा होगा ऐसे बहुत से पेशेंट्स क्योंकि टांगे बिल्कुल फिर कमजोर सी, ऐसे वीक सी और बिल्कुल पतली सी हो जाती हैं, वो बेसिकली एट्रॉफी हुई होती है उनके लोअर एक्सट्रीमिटी के जो मसल्स हैं। इसमें आपने क्या करना है कि दोनों क्रचेस को इकट्ठा आगे रखना है। पहले बंदा खड़ा हुआ है, अपनी स्टिक्स जो है दोनों हाथों में पकड़ लें, ठीक है, अपने क्रचेस को आगे रखना है और अपने अपने सारा वजन अपर एक्सट्रीमिटी, ठीक है, अपने आर्म्स पे डालना है और स्विंग करना है, ठीक है। स्विंग करेंगे और स्विंग टू द क्रचेस, सबसे पहले मूव बोथ क्रचेस फॉरवर्ड, लिफ्ट बॉडी वेट, अपना वजन फिर उठाती हैं वो। और आपने देखा होगा उनकी ये वाली जो मसल्स होते हैं बहुत ज्यादा हाइपरट्रॉफी होती है इन मसल्स की, क्योंकि यूज हो रहे होते हैं उनके अपर आर्म के मसल्स, अपर आर्म कह रही हूँ, अपर लिम के मसल्स उनके बहुत ज्यादा यूज हो रहे होते हैं, क्यों, वो काफी ब्रॉड ब्रॉड उनकी ये अपर जो चेस्ट और ये चीज ब्रॉड ब्रॉड सी हुई होती है क्योंकि वो यूज ज्यादा होते हैं, ठीक है, उनमें हाइपरट्रॉफी हो जाती है। और जो नहीं यूज हो रहे थे उनके अंदर एट्रॉफी हो जाती है। तो लिफ्ट बॉडी वेट आपने बाय आर्म्स के जरिए, ठीक है, आपने आर्म्स के जरिए अपना बॉडी वेट उठाना है और फिर स्विंग करेंगे लेकिन एट द लेवल ऑफ योर क्रचेस। जैसे फॉर एग्जांपल ये बंदे अब पहले खड़ा हुआ था, अब उसने क्रचेस आगे रखे हैं, फिर स्विंग किया है और क्रचेस के लेवल तक आया है। ये है स्विंग टू गेट। स्विंग थ्रू गेट क्या है, सिमिलर टू स्विंग टू गेट है, बस इसके अंदर यह है कि क्रचेस से बियॉन्ड बंदा चला जाएगा और ये फास्ट गेट है। स्विंग थ्रू गेट क्या है, फास्ट गेट है। और इसके अंदर क्या होना चाहिए, आप पेशेंट के एब्डोमिनल मसल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है। अपर आर्म की तो स्ट्रेंथ नो डाउट पीछे में भी होगी लेकिन इसके अंदर क्या है, आपके फास्ट होंगे और आपके एब्डोमिनल मसल्स की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होनी चाहिए। फास्टेस्ट गेट रिक्वायर्ड फंक्शनल एब्डोमिनल मसल्स इन स्विंग थ्रू गेट, द क्रचेस आर मूव फॉरवर्ड, ठीक है, क्रचेस फॉरवर्ड बट द लोअर एक्सट्रीमिटीज आर स्विंग बियॉन्ड द क्रचेस, ठीक है। फॉरवर्ड रखा पहले बंदा, एक अपनी इनिशियल पोजिशन पे खड़ा है, फिर उसने क्रच आगे रखे और स्विंग किया है और क्रचेस से आगे, ठीक है, क्रचेस के बियॉन्ड जाके फिर उसके स्टेप होगा। तो दिस इज स्विंग थ्रू गेट, क्लियर। अच्छा, अब हमारा ये सारे, ये आज हम क्रचेस कंप्लीट हो जाएंगे और नेक्स्ट फिर हम केन्स और वॉकर्स की तरफ जाएंगे। देन अब क्रचेस के जरिए आपने ऊपर कैसे चढ़ना है सीढ़ियों के और नीचे कैसे उतरना है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। सो अपस्टेयर में जब आपने चढ़ना है, सबसे पहले क्या होगा, आप हमेशा पहले अपने जेहन के अंदर ये याद रख लें कि जब भी क्रचेस के साथ बंदा ऊपर चढ़ेगा तो हमेशा गुड लेग, अनअफेक्टेड, अनइंजर्ड, गुड लेग साउंडली, ठीक है, वो उसकी सबसे पहले उसने वो उठानी है। और जब डाउनवर्ड आएगा, ठीक है, क्रचेस उसमें पहले होंगे लेकिन फिर जो प्रोसीड कहां से करेगा, बैड लेग, अफेक्टेड लेग, इंजर्ड लेग, वो उसकी आएगी, ठीक है। ये पॉइंट अपने जहन के अंदर रख लें, ये कभी भी चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। अब आप स्टेट्स किस तरह जाना है, अगर आप इस पिक्चर को देखें, सबसे पहले क्या है, पेशेंट अपने आप को जिस फॉर एग्जांपल अपने जहां पे खड़ा हुआ है, जैसे आप ये इसका ये फर्स्ट जो है वो इसका वो देखें, यस, ठीक है, ये इसका फर्स्ट देखें कि पेशेंट खड़ा हुआ है, उसने क्या किया हुआ है, अपने क्रचेस पे वेट डाला हुआ है, ठीक है, और सपोर्ट क्रचिस ने उसकी बॉडी को सपोर्ट किया हुआ है। सबसे पहले ये जो अपस्टेयर्स जहां पे लिखा हुआ है उसमें जो आप पहली पिक्चर देखें,
ठीक है, जो 1 2 3 जो थ्री जो अगर ABC जहाँ से स्टार्ट होती है उधर से आप थ्री नंबर पर आए, मैं वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अब क्रचेस ने, ठीक है, अच्छी सपोर्टेड पोजीशन में है जो पेशेंट है और क्रचेस उसके दोनों साइड के ऊपर है। अब उसने सबसे पहले क्या रखी है, गुड लेग, देखें अगली पिक्चर में गुड लेग, और फिर देखें हल्की सी वो रेल कर रही है, ट्रेल कर रही है उसके पीछे पीछे, बैड लेग, ठीक है। सबसे पहले क्या है, गुड लेग, देन उसकी ये उसके पीछे ही है, आप नोट कर रहे होंगे उसकी बैड लेग आगे आएगी, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, क्रचेज आगे रखेगा और फिजियोथेरेपिस्ट उसके जो है ना वो पीछे होगा ताकि पेशेंट पीछे की तरफ गिर ना जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अब पेशेंट खड़ा हुआ है, उसने गुड लेग रखी और साथ ही उसने जो अपनी बैड लेग है वो, ठीक है, वो उसके पीछे उस बैड लेग उसकी आ रही है, फिर क्रचेज और अपनी गुड लेग पे वजन डाल के वो, ठीक है, अपनी गुड लेग सॉरी अपनी गुड लेग पे वजन डालेगा और क्रचेस को वो आगे रखेगा, फिर वो क्रचेस पे वजन जाएगा, फिर वो गुड लेग पे आगे वजन जाएगा, फिर बैड लेग साथ आएगी, ऐसे करके ये रिपीट होगा ये वाली चीज, ठीक है। और फिर जो अपस्टेयर्स जब आपने जाना है तो आपका जो पेशेंट जो आपका डॉक्टर आपका फिजियोथेरेपिस्ट है वो आपके पीछे खड़ा होगा, ठीक है। और डाउनस्टेयर्स, अब डाउनस्टेयर्स में इस वाली पिक्चर पे आए, ठीक है, जहाँ पे डाउन स्टेयर्स लिखा है। अब उसमें देखिए सबसे पहले क्या है, पेशेंट जो है वो आपका आपकी जो पहले क्या होगा, पेशेंट अपनी जहाँ पे एक जहाँ पे अभी स्टेयर से उतरना है जो ऊपर वाली जहाँ पे वो खड़ा हुआ है, उसकी टांग और उसकी जो उसकी क्रच है वो सारे एक ही लेवल के ऊपर है, सपोर्टेड है, ठीक है, उसकी क्रच सपोर्ट ने सपोर्ट किया उसकी बॉडी को। अब सबसे पहले उसने क्या करना है, क्रचेस रखने, जिसमें एक पिक्चर में स्टार्ट हुआ है, सबसे पहले क्रच रखेगा, ठीक है। अब ये देखिए उसकी अब क्या उसने रखनी है, अपनी अफेक्टेड लेग, बैड लेग, फिर वो अपनी बैड लेग रखेगा, लेकिन उस पर वजन नहीं, जारी बात है वो वजन क्रच पे ही होगा, या हो सकता है थोड़ी सी स्लाइट सी, वो डिपेंड करता है कि उस पर वेट बेरिंग पार्शियल करवानी है या बिल्कुल नहीं करवानी, लेकिन ये जो प्रोसेस है वो सारा सेम ही रहेगा, ठीक है। अपनी बैड लेग रखेगा, देन अपनी गुड लेग, ठीक है। और इसमें क्या होगा, फिजियोथेरेपिस्ट आपके जब आपने नीचे उतरने सामने होगा, जब आप उतर रहे होंगे, जब आपको क्योंकि ट्रेनिंग करवानी है ना, ट्रेनिंग करवाने के लिए सामने होगा ताकि अगर आप गिरे सामने की तरफ तो फिजियोथेरेपिस्ट आपको पकड़ ले। सो यही है हाउ टू यूज क्रचेस ऑन स्टेयर्स, अप विद गुड हमेशा और डाउन विद बैड। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। सो ये आज का लेक्चर है आप लोगों का, और बस कल एक मिनट मुझे देखने दें, कल हमने कौन सा करना है, हम वॉकर या केन में से देखेंगे, और हो सकता है मैं दोनों इकट्ठे करवाऊँ, क्योंकि मेरा बेसिकली मेरा मतलब ये था कि आप लोगों को अफेक्टेड अनअफेक्टेड में बिल्कुल मसला ना हो, एक मैं आपको थोड़ा सा पार्ट्स में कराऊं और जो बाकी हैं, जाहिर बात है एक चीज समझ आ गई है तो वो आपको उनकी बाकियों की आसानी से समझ आ जाएगी, ठीक है। सो इसे अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लीजिएगा।